लहसुन अदरक तेज पत्ता लौंग दालचीनी। तो खद्दा आ चुका है, इसके अंदर जो सामान डाला हुआ अदरक लहसुन कूटा है वो डाला जा रहा है, और ये हमारा जो गोश है वो भुना जा रहा है, अब खाली गोटा चलाना बाकी है। ओए ओए ओए, क्या बात है, बहुत शवा शवा शव। गोश भी हमारा बन के तैयार हो गया है, उड़द में डाला जा रहा है, और ये बड़ी सी ट्रे के अंदर ये सारे राइस निकाले जाएंगे गर्मा गर्म। मेहनत जो है वो कामयाब रही। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले हैं यूपी के फेमस उड़द चावल की रेसिपीज, जो कि यहां पर देग में बनाई जाएगी। यहां पर मेरे सामने अभी उसका प्रोसेस पूरा चालू है, आप लोग देख सकते हो। रात के 10 बज रहे हैं और ये देखिए आग लगाई हुई है, मस्त करके चूल्हे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं उसी देग के, और देग अपनी उधर रखी हुई है, लहसुन छीला जा रहा है ये देखिए। सो अपनी क्या उड़द की 6 देग बन रही है और चावल की 25 बनेंगी। हम लोग तो पूरी रात यहाँ पर एंजॉय करने वाले हैं, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। फाइनली देग हमारी आ गई है, ये रखी जाएगी चूल्हे पर, 6 चूल्हे बने हुए हैं, इसके ऊपर देग रखी जा रही है, ये देखो। तो देग रख दी थी, उसके अंदर अभी पानी डाला जा रहा है, उसके बाद भी सारी सामग्रियां डाली जाएंगी, वो सब आपको दिखाएंगे क्या क्या उसके अंदर डाला जाता है, A to Z सारा प्रोसेस हम दिखाएंगे। फाइनली गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो इसके अंदर पानी डाला था वो खोल चुका है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा स्टीम निकल रही है सारी देगों के अंदर। रात के टाइम पास के लिए यहाँ पर चाय भी बनाई जा रही है, फिलहाल इसके नीचे यहाँ पर रख दिया चाय। वीडियो का एंड तक देखना जरूर, और सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। वहां देग में पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पर जो है उड़द साफ हो रहे हैं। इसके अंदर चाचा क्या क्या पड़ा हुआ है? इसके अंदर उड़द है, हाँ, सफेद लोबिया है, लोबिया सफेद लोबिया, अच्छा, मूंग है और मूंग है, तीन चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है, लोबिया और मूंग, मूंग और हरी मूंग और उड़द, उड़द तीन चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है। तो गाइस उड़द हरी मूंग और लोबिया जो अभी साफ की थी वो अभी देग के अंदर डाली जा रही है, ये देखिए। सो फाइनली गाइज यहाँ पर क्या किया जा रहा है चाचा आप बताएंगे? यहाँ इसमें हल्दी है, सौंफ है, धनिया है, पिसा हुआ। अच्छा, हल्दी धनिया सौंफ, तीन चीजें। अभी इसका मिक्सचर किया जा रहा है पानी डाल के, उसके बाद फाइनली ये देग के अंदर डल जाएगा, ये देग के अंदर पड़ जाएगा, बराबर हो जाएगा इसमें। चले पड़ेगा देसी तेल, अच्छा इसके बाद तेल डलेगा, तेल पड़ेगा, लहसुन अदरक तेज पत्ता लौंग दालचीनी, सुबह को इसमें गरम मसाला, अच्छा लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, ये पड़ेगा नमक। चलो उठा लो, मतलब रात भर करने पे रहेगा। अब लहसुन कूटा जा रहा है गाइस, ये चेक करिएगा, अब जो हल्दी धनिया वगैरह का मिक्सचर किया था वो सब अब देगों में डाला जा रहा है गाइस, ये चेक करिएगा। लहसुन तो हमने कूट लिया था लेकिन अब अदरक बाकी है, अब ये कूटेगा, आप चेक करिएगा। देखिए गाइस फाइनली अभी देख के अंदर जो खद्दा आ चुका है, इसके अंदर जो सामान डाला हुआ था ये आप चेक करिएगा। अब इसके अंदर जो हमने अदरक लहसुन कूटा है वो डाला जा रहा है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 10 और फाइनली उड़द हमारे तैयार हो गए हैं, उड़द थे उनका एक्स्ट्रा पानी निकाला जा रहा है ये देखिए, उसके बाद गोटा वोटा चलाएंगे और फिर उड़द बन के तैयार एकदम। उड़द तो तैयार है, बस खाली गोटा जितना मारेंगे उतना ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है इनके अंदर, और वहां पर जो है हमारा गोश्त तैयार हो रहा है, और ये हमारा जो गोश्त है वो भुना जा रहा है, गोश्त को पकाया जा रहा है, जो है गोश्त उड़द के अंदर डलेगा।
इसके अंदर बस अब खाली गोटा चलाना बाकी है, मतलब कि अच्छे से मिक्स करना बाकी है। और ये देखिए ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं कैसे गोटा चलाया जाता है। अच्छा ऐसे आराम आराम से चला रहे हैं गोटा। ओए ओए क्या बात है, क्या बात है, बहुत शाबाश शाबाश शाबाश, और तेज और तेज और तेज, क्या बात है भाई, मजा आ जाएगा उड़द में आज। गाइस गोश्त भी हमारा बन के तैयार हो गया है, अब उड़द में डाला जा रहा है। ये देखिए और गाइस ये देखिए हमारे राइस बन के तैयार हो गए हैं। ये देख यहाँ पर लेके आई जा रही है, बड़ी सी ट्रे के अंदर ये सारे राइस निकाले जाएंगे गर्मा गर्म। आप चेक करिएगा कितनी गर्म है और कितनी ज्यादा भाप इसमें से निकल रही है। और यहाँ पर ये हमारे वसीम भाई गोटा चलाते हुए, क्या बात है, पहला एक्सपीरियंस में काफी अच्छा गोटा चला रहे है भाई। फाइनली गाइस आप देख सकते हो उड़द चावल हमारे तैयार हो गए हैं और फाइनली इसका टेस्ट आप बताते हैं खा करके कैसा टेस्ट है। ये देखिए गाइस वाह शानदार, एक नंबर लग रहा है, गर्मा गर्म यार सर्दी में मजा ही आने वाला है। लाजवाब गाइस, मेहनत जो है वो कामयाब रही, पूरी रात बैठ करके हमने ध्यान रखा हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं दी, सब मसाले वगैरह सब परफेक्ट डाले। और गाइस जितना भी हो सका मैंने वीडियो में सभी कुछ दिखा दिया है, बस फाइनली अभी पहले खा लेते हैं, टेस्ट चख रहे हैं और उसके बाद जो है सारे लोगों को खिलाएंगे, वो भी आप लोगों को हम थोड़ा दिखाते हैं। फाइनली गाइस जो भी था आप सबको दिखा दिया है उड़द चावल, बिजनौर के फेमस उड़द चावल आप सभी को दिखा दिया है, जितनी भी रेसिपी हो सकी थी वो सभी मैंने आपको दिखा दी और फाइनली सबको खिला दिया है, सारा निबट गया है काम, फाइनली बहुत ज्यादा मजा आया। जिशान भाई उड़द चावल कैसे हो रहे थे? बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा। हाँ भाई कैसे हो रहे थे? बहुत बढ़िया, टेस्टी हो रहे थे। तो गाइस वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी, हमारी मेहनत रंग लाई रात भर जागने की और यार व्लॉग बनाने की। गाइस ज्यादा जितना हो सके आप लोग इस व्लॉग को शेयर करें, होप करता हूँ बस कि गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलता है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।